मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है पपाया। ठीक है, पपाया का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैरिका पपाया। ठीक है, और इसका फैमिली क्या है? कैरिकेसी। और क्रोमोसोम नंबर है 2n = 18। ओरिजिन कहाँ से है? ट्रॉपिकल अमेरिका से। और ये इंट्रोड्यूस कब किया गया? 18th सेंचुरी में। तो पपाया को हम लोग होलसम फ्रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए कितना है? 2000 IU/100 ग्राम। जाम, जेली, नेक्टर बनाने में यूज होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं पपेन। ठीक है, जब हम लोग देखो पपाया कट करते हो तो उसमें वाइट वाइट जो लेटेक्स जैसा निकलता है वो क्या है? पपेन। पपेन का इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल बहुत ज़्यादा ही यूज है। पपेन इज यूज टू करेक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, टेंडराइजिंग मीट, मीट को टेंडराइज करने में, मैन्युफैक्चरिंग लेदर, क्लेरिफाइंग भी है। द अदर यूज ऑफ पपेन, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, डिप्थेरिया, प्री सिल्किंग ऑफ ऊन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्यूइंग गम, डी गमिंग, नेचुरल सिल्क एंड रेयॉन इन कॉस्मेटिक, डेंटल पेस्ट प्रिपरेशन। द रॉ फ्रूट आर कुक्ड एज वेजिटेबल एंड कंज्यूम। पपाया यूजुअली क्या होता है? डायोसिस। डायोसिस मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट जो होगा सेम में होगा। ठीक है, और मोनेसियस मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट जो होगा अलग एक ही में होगा। मोनेसिस डायोसिस में अलग अलग जगह। ठीक है, द मेल फ्लावर फाउंड इन लॉन्ग। जब देखो तुम लोग बहुत सारे पपीता देखते होंगे, इसमें दो तीन चीज देखने का चीज है। पपेन, पपेन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, प्लस इसका सेक्स। पपाया क्या है? डायोसिस, मीन्स मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। अब किसी भी पपाया में कौन सा प्लांट में मेल है और कौन सा प्लांट में फीमेल है? जैसे तुम लोग पपीता देखते होगे, उसमें लॉन्ग लॉन्ग स्टॉक होता होगा। ठीक है, ये लॉन्ग जो स्टॉक है, ये लॉन्ग स्टॉक को क्या, वो कौन सा फ्लावर हो गया? वो मेल। और एक सिंगल सिंगल जब सिंगल हो रहा है तो वो फीमेल। तो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना है। द ओवरी इज वेरी लार्ज इन फीमेल फ्लावर। इन केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर टू काइंड्स आर ऑफन ऑब्जर्व, वन विद लॉन्ग कोरोला टाइप एंड 10 स्टेमिन, अनदर टाइप विद शॉर्ट कोरोला टाइप एंड फाइन फंक्शन। फ्रूट कैसा हो गया? लार्ज हॉलो बेरी, इलोंगेटेड एंड ग्लोबुलर इन शेप। और गाइनोडायोसिस टाइप में द फीमेल्स एंड बायोसेक्सुअल आर बॉर्न इन वन ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, और द फ्रूट डेवलप फ्रॉम फीमेल फ्लावर कैसा होगा? ग्लोबुलर शेप होगा, मतलब गोल जैसा दिख रहा है। बायोसेक्सुअल फ्लावर का लंबा शेप होगा, इलोंगेटेड शेप होगा। तो ये सेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पपाया, पपेन एक्सट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके स्पीसीज भी है, जैसे कार्डामेंकेंसिस, ये माउंटेन टाइप है जो कि हाईएस्ट अवेलेबल में मनोएका अमेजोन बेसिस में होता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये कैसा है, मतलब इसके लिए इट बेस्ट परफॉर्म इन लॉन्ग सॉइल। ठीक है, और उसके बाद है ट्रॉपिकल क्लाइमेट इस सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जिसमें 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल है। उसके बाद है पपाया का सीड प्रोडक्शन। ये कैसा क्रॉप है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। सीड टेकन फ्रॉम ए फ्रूट। ठीक है, ब्रीड ट्रू टू टाइप। इट इज़ ए वेराइटी इट विल मेंटेन प्योर कंट्रोल पॉलिनेशन बिटवीन सिलेक्टेड फीमेल एंड मेल। कंट्रोल पॉलिनेशन तुम लोग जैसे जेनेटिक्स में पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगर ब्रदर सिस्टर मतलब सेम लाइन है, ठीक है, मेल फीमेल है, ब्रदर सिस्टर क्रॉसिंग बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, उसको सिर मेटिंग इसमें करते हैं। और एक सेल्फिंग होता है जिसमें सेम प्लांट को सेम के साथ जब करते हैं तो सेल्फिंग हो गया। और ब्रदर सिस्टर में सेम ही है पर ब्रदर सिस्टर से हो रहा है तो वो सिगमेटिंग हो गया। पॉलन फ्रॉम मेल प्लांट, अप्लाइंग इट ऑन द प्रीवियसली बैक फीमेल फ्लावर। सीड फ्रॉम सच सिगमेटेड फ्रूट शुड बी यूज फॉर फर्दर मल्टीप्लीकेशन। प्रोपगेशन किससे हो रहा है? कॉमनली पपाया जो प्रोपगेट होता है सीड्स। ठीक है, वेल राइप सीड को हम लोग करेक्ट करेंगे हर्माफ्रोडाइट प्लांट से, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद है कोल्ड वॉश में डाल के
अबाउट 500 ग्राम ऑफ सीड इज रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग इन 1 हेक्टेयर। अदर प्लांट, पपाया प्लांट ऑल्सो बी प्रोपोगेटेड फ्रॉम कटिंग एंड ग्राफ्ट। प्लांटिंग कैसे कर रहे हैं, 45 x 45 x 45, स्पेसिंग 1.8 x 1.8, ठीक है। और इसको लगा कब रहे हैं हम लोग पपाया को, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, मीन्स जून टू अक्टूबर और जैन टू मार्च। मैन्योर फर्टिलाइजर में 10 kg FYM, 50 kg ऑफ 50 ग्राम ऑफ NPK पर प्लांट और बाई मंथली इंटरवल। और इरिगेशन मतलब वेल ड्रेन्ड सॉइल, रेगुलर इरिगेशन चाहिए 8 to 10 days इंटरवल पे। आफ्टर कल्टीवेशन इसमें मेल ट्री शुड बी, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि मेल ट्री ज़्यादा होता है, सेक्स इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और मेल ट्री में कभी भी फ्रूट नहीं होता, कभी भी तुम लोग देखते हो कि जो पपाया का मेल ट्री में एक कोई प्लांट केवल फ्लावर हुआ है और उसमें जरा भी तुम लोग फ्रूट नहीं देखते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कि वो मेल ट्री है। तो एक आफ्टर कल्टिवेशन मेल ट्री शुड बी रिमूव, ठीक है। और 1 मेल ट्री 20 फीमेल ट्री के बीच में रहना चाहिए ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो सके। अब है ड्यूरिंग द प्रीपेयरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल और ये सब क्रॉप रोटेशन या कैबेज, कॉलीफ्लावर ये सब लगा सकते हैं। मैनी सॉक्स फॉर्म सच एज डाइसिस, हर्माफ्रोडाइट, गाइनोडाइसिस हैव बीन रिपोर्टेड इन पपाया। देयर आर नो डिस्टिंक्ट और डेफिनेट मेथड टू एसर्टेन द सेक्स ऑफ प्लांट एट द अर्ली स्टेज। एनवायरनमेंट लो टेम्परेचर टेंड टू प्रोड्यूस परफेक्ट फ्लावर ऑन द मेल ट्री एंड फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन। तो सेक्स एक्सप्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सेक्स एक्सप्रेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें कितना टाइप का सेक्स है, डायोसिस, हर्माफ्रोडाइट, गाइनोडायोसिस, ठीक है। अबे लो टेम्परेचर क्या करेगा कि परफेक्ट फ्लावर को मेल ट्री में प्रोड्यूस होने देगा और फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन इंक्रीज इन कूल वेदर। जब लो टेम्परेचर है तो मतलब फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होगा, मीन्स हाई टेम्परेचर मीन्स मेल फ्लावर और लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे मीन्स फीमेल फ्लावर। सीजन ऑफ प्लांटिंग ऑल्सो अफेक्ट द सेक्स एक्सप्रेशन। प्लांटिंग ड्यूरिंग फेब शोज मोर मेल प्लांट, ठीक है। प्लांटिंग ड्यूरिंग फेब शोज मोर मेल प्लांट, ठीक है। और अगर मार्च अप्रैल में करें तो इक्वल नंबर ऑफ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। उसके बाद है ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि GA 50 ppm, इथरल 200 ppm और SADS 250 ppm और फॉस्फेट डी 2500 ppm इंक्रीज फीमेलनेस। फीमेलनेस तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है, फीमेल्स लिए। तो इन्वायरमेंट लो टेम्परेचर शॉर्ट डे दोगे तो फीमेल है, GA इथरल SADS और फॉस्फेट डी का स्प्रे करोगे तो फीमेलनेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है हार्वेस्ट कब करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे 12 से 15 महीना में, ठीक है। अब जैसे कि इसमें फ्रूट शुड बी हार्वेस्ट व्हेन कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलोइश, ठीक है। तो दो पपाया जो है 2 ईयर में डिक्लाइन होने लगता है, इसीलिए जो मेन इसका इकोनॉमिक यील्ड है 2 साल में इसका अच्छा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्स एक्सप्रेशन और दूसरा है पपेन एक्सट्रैक्शन। पपेन एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है, लेटेक्स और मिल्की जूस अनराइप ग्रीन फ्रूट से निकलता है, ठीक है। लार्ज है जिसको हम लोग पपेन कहते हैं, जिसको डाइजेस्ट द प्रोटीन इन आवर फीड। फुली डेवलप ग्रीन लार्ज साइज हार्ड पपाया फ्रूट अबाउट 3 मंथ ओल्ड आर सिलेक्टेड। कितना, 3 महीना ओल्ड, टैपिंग के लिए यूज हो रहा है। और लेटेक्स कैसे, स्क्रैच से पहले हम लोग इंसीजन देते हैं, ठीक है। कितना डीप देते हैं, 0.3 सेंटीमीटर डीप, 3 महीने ओल्ड में 0.3, यूजली नॉट मोर देन 4 इंसीजन पर फ्रूट एट इक्वल डिस्टेंस आर मेड एवरी डे टू कवर द होल सर्फेस अराउंड द फ्रूट नॉट मोर देन 5 टैपिंग। तो 5 से ज़्यादा टैपिंग भी नहीं होना चाहिए और 4 से 5 दिन के इंटरवल में, ठीक है। नॉन मेटालिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टैपिंग, आइवरी ब्लेड अक्सर यूज किया जाता है। इस लेटेक्स को पोर्सिलिन ग्लास में हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 to 4 आवर लेटेक्स इज स्क्रैप, वो ड्राई हो जाता है सन में और
ड्राइड इन द सन। टैपिंग शुड बी अंडरटेकन मॉर्निंग में करेंगे या इवनिंग में करेंगे, ताकि मिड डे में करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा ना। टैपिंग मतलब लोग उसका लेटेक्स ले रहे हैं, वाइट पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर डीप पे 3 मंथ ओल्ड पे। और द ड्राइड पेपियन इज पाउडर एंड सीव्ड इन 10 मैसिव्स एंड क्रीम कलर्ड पाउडर। वो एयर टाइट में पॉलीबैग में डाल देते हैं और टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेंटीमीटर में बेटर कलर और क्वालिटी के लिए उसको रखते हैं। पोटेंशियम मेटाबाई सल्फाइड एट 0.5% में भी एडेड फॉर बेटर कलर एंड कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। और इसको क्वालिटी को बनाए रखने के लिए 0.5% पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड रखते हैं। द पपेन फॉर इन्फ्लुएंस बाई सर्टेन फैक्टर्स सच एज फूड साइज मेटेरिटी। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा पपाया। तो पपाया में सेक्स एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा है पपेनिक्स। उसके बाद तुम लोग को मुझे जो पढ़ाना है वो है सपोटा। सपोटा में कुछ जानने का नहीं है। सपोटा क्या है? मनिलकारा एकरस। फैमिली है सपोटेसी। ओरिजिन है ट्रॉपिकल अमेरिका। क्लाइमेट है इसका 1200 मीन सी लेवल पे। और एरिया विथ रेनफॉल कितने में हो रहा है? 1250 से 2500 mm पे। टेम्परेचर है 11 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डीप ग्रो वाइड रेंज ऑफ फिल, इसके लिए ड्रेन वेल ड्रेन एनी हार्ड पेन और डीप एंड पोरस सॉइल प्रिफर्ड होगा। प्रोपगेशन थ्रू ग्राफ्टेड प्लांट और मनिलकारा हेक्सेंड्रा। सीजन ऑफ प्लांटिंग जून टू दिसंबर। स्पेसिंग है 8 into 8 एंड HDPE में 8 into 4। पिट साइज 1 m³ है और FYM 10 kg 1 kg नीम के ये हम लोग डालेंगे पिट में, ठीक है। इरिगेशन है थर्ड डे आफ्टर प्लांटिंग, थर्ड डे और 10 डेज इंटरवल में। बाद में जब बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। 1 year old में FYM 10, फिर 10 kg पर ट्री। NPK 0.200 to 0.200 मतलब 200 ग्राम है। आफ्टर कल्टीवेशन रूट स्टॉक स्प्राउट वाटर शूट मतलब जो स्प्राउट हल्का हल्का निकला रहता है उसको हटाना है। इंटरक्रॉपिंग लिग्यूम और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप से करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें आ रहा लीफ वेपर, फेजोलिन और हेरी कैटरपिलर, इंडोसल्फोन और बडवॉर्म। फेजोलिन का अगर डिजीज में है सूटी मोल्ड और इसमें सबसे मेन डिजीज है लीफ वेपर। हार्वेस्ट, इसका हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैच्योर फूड डल ब्राउन कलर का दिखेगा। स्क्रैच जब करेंगे तो उसमें लाइटर शेड में मैच्योर्ड वाइल्ड इन इमेच्योर फ्रूट में ग्रीन दिखेगा और जब उसको स्क्रैच करेंगे तो कैसा लाइटर शेड में देगा। द मैच्योर फ्रूट आर हार्वेस्टेड बाय हैंड पिकिंग। फ्रूट एट फुली मैच्योर डेवलप डल ऑरेंज और पोटेटो कलर का होना चाहिए। इसका क्या इंपॉर्टेंट है? हार्वेस्टिंग फरवरी से जून एंड सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। द फ्रूट आर राइपन बाय कीपिंग द फ्रूट इन ए एयर टाइट चैम्बर विद 5000 ppm इथरल एंड 10 ग्राम ऑफ NaOH। यील्ड 20 to 25 टन पर हेक्टर एंड ब्राउन स्केली मटेरियल डिसअपेयर फ्रॉम द फ्रूट सर्फेस। मतलब एक आलू की तरह उसका रफ सर्फेस हट जाएगा जब उसको करोगे तो येल्लो लेटेक्स की जगह में, ग्रीन लेटेक्स की जगह में थोड़ा लाइट येल्लो आएगा। तो हम लोग समझ जाएगा कि हार्वेस्ट कर रहे हैं और फ्रूट में मिल्की लेटेक्स रिड्यूस हो जाएगा और ड्राइड स्पाइन स्टिग्मा टिप अलग हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये तुम लोग का पपाया एंड सपोटा है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी हम लोग इसको ट्यूटोरियल में और फोरम में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।